हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आपको लक्ष्मण टेक चैनल में हार्दिक स्वागतम करता हूं। तो गाइज, आप तो थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज के वीडियो कैसे होने वाला है। तो गाइज, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके की फ़ोटो आप अगर आप भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर में इस तरीके की फ़ोटो आप बना सकते हैं एक एप्लीकेशन के मदद से। उस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को शुरू करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को शुरू करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा पूरी जानकारी कैसे वीडियो एडिटिंग करना है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, फुल लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एडिटिंग करना है। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को शुरू करेंगे, आप वीडियो को देखिए। तो चलिए गाइज, हम अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल लैब है, ये आपको सबके फ़ोन में होगा। जो भी यूट्यूब पे काम करता होगा, मोबाइल से एडिटिंग करता होगा वीडियो, उस सबके फ़ोन में होगा। यहाँ से आप थंबनेल एडिटिंग कर सकते हैं अच्छा क्वालिटी में, यहाँ से HD क्वालिटी में थंबनेल एडिटिंग कर सकते हैं। पिक्सल लैब इसका नाम है, बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, इससे अच्छा कोई एप्लीकेशन नहीं है थंबनेल एडिटिंग करने के लिए। मैं भी इसी से अपना थंबनेल एडिटिंग करता हूं, मुझे बहुत अच्छा आता है। इसमें बहुत आपको नोटिफिकेशन इसमें बहुत मिल जाएगा, आप जो भी इसमें फीचर देखना चाहते हो उस फीचर को देख सकते हैं। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कैसा एप्लीकेशन लगा आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस पर हम क्लिक करेंगे और आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे इसमें अपना फ़ोटो एडिटिंग करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट लिख रहा है, इंपोर्ट पे क्लिक करके अपना एक कोई भी फ़ोटो पीछे के लिए, बैकग्राउंड के लिए लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपना एक फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाएंगे कैसे इसमें एडिटिंग करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं उतना में आप रख सकते हैं, आपका मर्जी, जितना में अच्छा लगे आपको। तो चलिए मैं इतना ही मैं रखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इतना पे फ़ोटो आ गया। इसका आप साइज़ आपको फुल करना है तो फुल भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना पर रखना चाहते हो तो इतना ही पर रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम फुल साइज़ करेंगे, तब देखने में अच्छा लगेगा। और तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे करके यहाँ से नीचे तक ले जाएंगे, उसके बाद इधर करके आप इसको बढ़ा सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे करने से पीछे का भी बैकग्राउंड हट जाएगा और यहाँ पर देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद फिर से यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएंगे, तब आपको इमेज का ऑप्शन आएगा, नहीं तो टाइटल पे नहीं जाएंगे तो फिर इमेज का ऑप्शन आपका नहीं आएगा। तो फिर से आपको टाइटल पर जाकर तब इमेज लाना है, तो फिर से यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर से दूसरा वाला जो है एनिमेशन उसको हम अपलोड करके रखे हैं। आप भी क्रोम ब्राउज़र से जाके अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर ला कर दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाली, इसका बैकग्राउंड में पहले से रिमूव करके रखा हूँ। बैकग्राउंड इसको कहाँ से आपको चेंज करना है सब आपको लिस्ट में बता दूंगा कैसे चेंज करना है। इसका वीडियो भी मैं पहले से बना रखा हूँ, उसका साइड में आपको मिल जाएगा लिस्ट में एंड स्क्रीन में, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और कैसे बैकग्राउंड चेंज करना है फ़ोटो को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम राइट बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल आ गया। उसके बाद इसका भी साइज आप जितना भी रखना चाहते हैं उतना बड़ा रख सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर से तीसरे नंबर पर यहाँ पे देख सकते हैं फोटो नंबर, फोटो जो हम सेलेक्ट करते हैं वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जो फोटो सेलेक्ट करना है आपको तो फिर से इस पर जाना है, फिर टेक्स्ट पे जो टाइटल वाला है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद फिर से आप तीसरे नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर फोटो वाला ऑप्शन आ गया, पहले नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर फिर से आपको अपना फ़ोटो जो है खींच के रखे होंगे तो वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो पहले से खींच के रखा हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो आ गया। फिर से इस पर हम राइट बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं जितना साइज सेट करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। चलिए दिल को और ऊपर करते हैं क्योंकि पैर नीचे हो जा रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम दिल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे साइज पे रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। इसका साइज भी हम बढ़ा सकते हैं फोटो का अपने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो का साइज थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो का साइज इतना हो गया। उसके बाद फिर से इस पे जाना है, इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ से आप अपना फ़ोटो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल भी डाल सकते हैं, जो भी आप टाइटल लिखना चाहते हैं टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेहतरीन देखने में लग रहा है। या आप स्टेटस भी लगा सकते हैं फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम पर भी आप डाल सकते हैं, कहीं भी इसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, और इसमें आपको टाइटल भी चलिए डाल के बताते हैं टाइटल कैसे डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइटल का ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए मैं अपना चैनल का ही नाम लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम लिख गया। यहाँ से आपका इसका जो साइज है यहाँ से बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो चलिए हम बड़ा वाला साइज रख लेते हैं। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ से कट गया, फिर से हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन पे हाथ लग गया इसलिए डिलीट हो गया। तो चलिए फिर से हम इसको हम लिख लेंगे, उसके बाद फिर से आपको लिख कर दिखाएंगे। चलिए लिखने के बाद यहाँ से क्लिक हो गया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चलिए ये हट रहा है। आपको जो लिखे हैं इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हैं और इसमें आप कलर भी डाल सकते हैं जो आपको कलर अच्छा लगे। चलिए हल्का सा ये दिल जो घसक गया। उसके बाद चलिए जो लिखे हैं इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी आप कलर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। चलिए अभी वाइट वाला कलर को रखते हैं। उसके बाद राइट बटन पे क्लिक कर देंगे, इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट लिख रहा है एफ बी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बहुत साइज मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। चलिए ये वाला अभी हम रखते हैं। इसके बाद फिर से ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल एनिमेशन स्टिकर जो भी लगाना चाहते हैं साइड में लगा सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही अभी देखने में अच्छा लग रहा है। स्टिकर इसके लिए कुछ फ़ायदा नहीं लगाने से, तो ऐसे ही देखने में अच्छा है। अब इसको आपको सेव करना है तो कैसे करना है, तो चलिए सेव भी करने के लिए बता देते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं सेव का निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्रोजेक्ट में भी सेव कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है इसमें ऊपर जो मारेंगे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन में ही सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए हम गैलरी में अभी अपना सेव करना चाहते हैं। गैलरी में सेव होगा तो आप कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे वाला जो आ रहा है सेव एस इमेज, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं कहीं व्हाट्सएप पे या कहीं अदर भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, और यहाँ से आप सेव टू गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते हुए सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव हो गया।
तो चलिए गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर देंगे, क्योंकि ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सो थैंक यू, सो वेलकम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।